सो हेलो, कैसे हो आप लोग? दिस इज सी ए सानिध्य सराफ, फैकल्टी ऑफ ऑडिटिंग एट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड वेरियस प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री. आज जो मैं आपके साथ एग्जाम से एक दिन पहले आया हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूँ. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट थी कि सर हमें प्रैक्टिस मैनुअल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा दीजिए एंड कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बता दीजिए कि लास्ट डे हम किस पे ज़्यादा फोकस करें, किस में नहीं करें. देखो, वैसे तो आई डोंट बिलीव इन दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपके पास कुछ वो क्वेश्चंस पीएम के मार्क करके लेके आया हूँ जो मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को करना ही चाहिए, जहाँ गलतियाँ होने के ज़्यादा चांसेस हैं. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स में आपको ज़्यादा फोकस करना है फॉर दिस लास्ट डे बिफोर योर सीए फाइनल ऑडिटिंग एग्जाम, राइट? तो सबसे पहले दो चैप्टर्स प्रैक्टिस मैनुअल के, मेनली उसी के क्वेश्चंस हमने मार्क करे हैं, दैट इज अपॉन द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एंड द कोड ऑफ एथिक्स. ये दो चैप्टर्स हैं जहां स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि सर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं. तो यहां आप प्रैक्टिस मैनुअल मेरे साथ में लेके बैठो, टेक द प्रैक्टिस मैनुअल, मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, प्लीज मार्क करते जाओ. And you will also see the written sheet there. But practice manual के questions mark कराने के बाद आपके साथ कुछ और भी important बातें share करनी है मुझे for this exam. तो आप mark करना chapter 1 standards of auditing, question number 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 21. क्या बोला दोस्तों मैंने? 8, 9, 10, 11, 13, 15, 21. 30, 31, 32, 30, 31, 32, 35, 36, 37. उसके बाद 39, 42 and 43. क्या बोला मैंने? 39, 42 and 43. देन वी हैव 48. देन वी हैव क्वेश्चन 50A. जी हाँ, 50 का ए एंड बी, एक क्वेश्चन में चार पार्ट्स भी होते हैं, तो 50 का ए एंड बी. देन 51, 53, 51, 53, 55, 56, 57 का सिर्फ ए पार्ट, 57 का सिर्फ ए पार्ट. देन 59 का सिर्फ बी पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 60 ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के. अब आ जाओ लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 22, कोड ऑफ एथिक्स. तो यहाँ पे मार्क करना क्वेश्चन नंबर 1B and C, 3A and B. पहले क्या बोला मैंने दोस्तों? 1B and C. फिर क्या बोला मैंने? 3A and B. देन क्वेश्चन नंबर 4A, 6, 7 and 10D. क्वेश्चन नंबर 4A, 6, 7 and 10D. देन 12, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13C. क्वेश्चन नंबर 13C. देन क्वेश्चन नंबर 14, 15 and 19. क्वेश्चन नंबर 14, 15 and 19. देन क्वेश्चन नंबर 20B पार्ट. जी हाँ, 20 का B पार्ट. देन 24, 25. क्वेश्चन नंबर 24, 25. देन 28 में C पार्ट एंड D पार्ट. 30 में C पार्ट एंड D पार्ट. देन 31C. 33, 34, 38, 42 and 43B. कहीं भी कुछ मिस किया होता पोस्ट करके दोबारा सुन सकते हो, साथ में आपको शीट भी मिलेगी. तो ये दो चैप्टर्स जो बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए हैं मैंने, जो आप जरूर देखना. उसके अलावा बिजनेस एंटिटीज में भी स्टूडेंट्स परेशान है कि सर कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैं पता सब इंपॉर्टेंट है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो मेरे हिसाब से चैप्टर 15 से लेकर 21 प्रैक्टिस मैनुअल का आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें. चैप्टर 15 से 21 ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें. एंड RTP मई 17 एंड RTP नवंबर 17, ये दो RTPs आप बहुत अच्छे से करें. RTP मई 17 एंड RTP मई नवंबर 17, ये दो RTPs आप बहुत ज़्यादा अच्छे से करें. एक और क्वायरीज थी सर कि स्टैंडर्ड्स में भी कुछ मार्क करा दो सर. अब देखो, स्टैंडर्ड्स में वैसे बहुत ब्रॉड एरिया है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, बट स्टिल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के लिए एक रिविजनरी वीडियो हमने मयंक सर के चैनल पे पोस्ट किया है, जहाँ पे 2.5 घंटे में सारे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स कवर्ड हैं, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं, आप वो ज़रूर देखें. अगर टाइम नहीं मिल पाता तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स भी मार्क करा देता हूँ कि ये स्टैंडर्ड्स आप ज़रूर देख के जाएं. जी मार्क करें आप एसेस की 200 की सीरीज में, एसे 200 की सीरीज में, एसे 220 एंड 250, ऐसे 220, 230 and 250, 220, 230, 250 and then 260, जी हाँ 260.
उसके बाद आप सीधा आ जाएं ऐसे 300 के सीरीज में 320, ऐसे 320, ऐसे 320। ये स्पेशली सिर्फ नवंबर अटेम्प्ट के लिए, नवंबर 17 अटेम्प्ट के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ एज पर दी आईसीआई ट्रेंड्स, राइट। तो ऐसे 320, उसके बाद ऐसे 500 की सीरीज में आप आ जाएं, 500 की सीरीज में तो ऐसे 510, 510, 510, 520, 520 and 550, 560, 570, 550 से लेकर 580, 550 से लेकर 580, then 610, 610, जी हाँ 610। उसके बाद आप मार्क करें 800 की सीरीज में, ऐसे 800 की सीरीज में ऐसे 810 and 805, 805 and 810। उसके बाद मार्क करें SRS 4410 एंड मार्क करें SAE 3420, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने आपको मार्क कराए हैं, जो आप जरूर करना। उसके बाद उसके अलावा भी ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको मार्क कराया है कि आप जरूर देख लेना। आई एम नॉट सेइंग आप बाकी नहीं करोगे, बाकी भी करोगे, बट इन टॉपिक्स में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करोगे, राइट, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करोगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी इश्यूज होती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कल भी अगेन, दैट इज 5th of November, आई एम अवेलेबल फॉर द क्वायरीज फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स आई एम अवेलेबल फॉर द क्वायरीज, राइट, 5th November 2017। तो एग्जाम डे से कुछ भी पहले आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आई एम देयर विथ यू। उसके अलावा एक एडवाइस और देना चाहूँगा टू सिक्योर गुड मार्क्स, कि प्लीज एंश्योर वन थिंग, अभी कुछ नया ना बने स्टेज में, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। आपको जो आता है आप उसी को अच्छे से रिवाइज करें, रिवाइज इट इन ए प्रॉपर मैनर, एंड सिर्फ कंटेंट पे ध्यान ना दें, प्रेजेंटेशन में ध्यान दें, फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, कि हमें प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से करके आना है और हमें एग्जाम में बहुत ही अच्छे से क्या करने हैं सर, आंसर्स लिख के आने हैं। उसके लिए आईसीआई के प्रैक्टिस मैनुअल रिविजन टेस्ट पेपर्स में आप उनका प्रेजेंटेशन का पैटर्न चेक कर सकते हो, राइट, कि हाउ टू प्रेजेंट इन अ डिसेंट मैनर, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लस एक और चीज़, पेपर्स बहुत लेंदी आ रहे हैं इस बार, FR का पेपर बहुत ही लेंदी आया था, तो इन केस अगर ऑडिटिंग का पेपर भी लेंदी आता है तो प्लान योर टाइमिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, प्लान योर टाइमिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, कि हर क्वेश्चन को क्या करो, 1.8 मिनट्स हर मार्क एलोकेट कर दो, एंड अकॉर्डिंगली यू प्लान आउट कि मुझे कितने टाइम में अपने आंसर्स को लिखना है, क्लियर है। सो दिस वॉज ए शॉर्ट मैसेज फ्रॉम माई साइड कि आपको कैसे करना है, किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है। उम्मीद है कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा इससे। बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज व्हाट्सोएवर, एनी क्वायरीज, कुछ भी क्वायरीज हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट वॉइस क्लिप्स चाहिए, आई प्रोवाइड इट फॉर द रिविजन बेसिस। सो अगेन यू कैन जस्ट ड्रॉप मी ए व्हाट्सअप ऑन द नंबर 7838061193। आई एम रिपीटिंग 7838061193। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग एग्जाम बहुत ही अच्छे से करके आने वाले हो। थैंक यू।